क्या अमेरिका जैसी सुपर पावर के पास भी वो टेक्नोलॉजी नहीं है जो उसको खरीदने में इंटरेस्टेड है? देखें कि अमेरिका का जो ये प्रोजेक्ट था, ये इट वाज लाइक 450 मिलियन US डॉलर जो मैंने पढ़ा था, मेरी नज़र के सामने गुजरे इतने में गया था, और इंडिया ने इसको 72 US मिलियन डॉलर्स में किया था। एप्पल हो गया आपका, क्या कहते हैं, और जिस तरह है इवन सैमसंग का मैंने पढ़ा था, और भी जितनी है आज आपके जो पायनियर इस टाइम जो टॉप कंपनीज जा रही हैं, इनके सब के जो सीईओज हैं या प्रेसिडेंट्स हैं वो इंडियंस हैं। जो हमारा जो नेबर कंट्री इंडिया, वही काफ़ी ज़्यादा आईटी में जा रहे हैं। उन तकरीबन जो आप आईटी की जो वर्ल्ड लेवल पर जो है ना 30%, एक रिपोर्ट में बताया 30% जो है ना जो प्रोड्यूसिंग है वो जो आईटी की वो इंडिया की तरफ से है। तो और जैसे पाकिस्तान के स्टैंडर्ड में से 1% भी नहीं है, और पाकिस्तान वही 100 साल पुराने वो जो घिसे पीटे सिलेबस पे वही पाकिस्तान जा रहा है। कोई जो एडवांसमेंट नहीं, कोई हुकूमत जो है ना गवर्नमेंट हमारे स्टूडेंट के लिए कोई कुछ भी नहीं कर रही। कोई दोस्तों सभी को पता है कि भारत जो आज टेक्नोलॉजी से लेकर एजुकेशन इकोनॉमी से कितना आगे बढ़ता जा रहा है। इसी को देखते हुए अमेरिका की आप सभी को पता नासा के बारे में, जो कि पूरी दुनिया जानती है, इसरो के बारे में आप सभी को पता होगा जो कि भारत का है। भारत जो है, भारत का इसरो कितना कम दाम में यानी कितना कम पैसा में जो कि सेटेलाइट छोड़ता है। इसी को देखते हुए अब नासा जो है कि अब भारत से अपनी सेटेलाइटें छोड़वाना चाहता है, और भारत कुछ जो प्रोडक्ट हैं अपना अपने अंदर लेकर जाकर उसको अपनाना चाहता है। वीडियो में दोस्तों पाकिस्तानी को रिएक्शन देखेंगे, पाकिस्तानी पब्लिक क्या बोलती है। क्या अमेरिका जैसी सुपर पावर के पास भी वो टेक्नोलॉजी नहीं है जो उसको खरीदने में इंटरेस्टेड है? देखें कि अमेरिका का जो ये प्रोजेक्ट था, ये इट वाज लाइक 450 मिलियन US डॉलर जो मैंने पढ़ा था, मेरी नज़र के सामने गुजरे इतने में गया था, और इंडिया ने इसको 72 US मिलियन डॉलर्स में किया था। और अगर आप ओवरऑल देखें तो इस टाइम अमेजोन हो गया, एप्पल हो गया आपका, क्या कहते हैं, और जिस तरह है इवन सैमसंग का मैंने पढ़ा था, और भी जितनी है आज आपके जो पायनियर इस टाइम जो टॉप कंपनीज जा रही हैं, इनके सब के जो सीईओज हैं या प्रेसिडेंट्स हैं वो इंडियंस हैं। तो कोई वजह ही है ना कि इंडिया इतना ऊपर जा रहा है। अगर आप ओवरऑल देखें तो इंडिया में इस टाइम जो स्टूडेंट रेशियो है लाइक आईटी के अंदर, वो सबसे ज़्यादा मुल्कों के अंदर, इनको सबसे जल्दी वीज़ाज मिलते हैं। टॉप कंपनीज जो हैं बिग फोर में आप आ जाए, जिस तरह हमारी अकाउंटिंग एंड फाइनेंस में बिग फोर जो होता है, एक जो चार्टर्ड कंपनीज होती हैं, उनके अंदर सबसे ज़्यादा इंडियंस हैं। तो पाकिस्तान में 5 रुपये नहीं है, अफगानिस्तान में 1 रुपये बनते हैं। अफगानिस्तान के भी हालात पाकिस्तान से अच्छे हो गए, आपको इतना पता है? मुझे पता है, बड़े जबरदस्त 25 रुपये उधर के 5 रुपये बन गए। वो हमारे नोटों से टिश्यू पेपर बना के इस्तेमाल कर रहे हैं। सही है, ये इतना मुल्क है, वो इतना सा मुल्क है, उधर 5-6 करोड़ आवाम है, इधर 22 करोड़ आवाम है, इधर ये हालात है तो उधर क्या है? वो तो बेहतर है, इसे रकबे के एतबार से वो बड़ा है, लेकिन पॉपुलेशन के एतबार से हम बड़े हैं। अभी मैं पासपोर्ट दफ्तर में गया था, मुझे उसने बोला ना कि आपके आप लोग अफगानी हो, ये आपका कार्ड नहीं बन रहा। मैंने तो उसको बोला, हम सबूत मैंने उसको दिखाया, आप लोगों से हम पहले हैं, पंजाबियों से हम पहले इधर पाकिस्तान है, पंजाबी सारे इंडिया से है, पता है आपको, पंजाबी ऑल टू ऑल इंडियन के। वो तो कहते हैं हम पाकिस्तानी, हमारा इंडिया से कोई ताल्लुक वास्ता नहीं। क्यों नहीं है? ये आपने कौन सी तारीख, जब जंग हुए ना फिर सारे इधर आए कि नहीं, आधे उधर चले गए, आधे बांग्लादेश चले गए, इधर आधे इधर आए। तो ये तो खुद को इंडियन ही नहीं मानते, तो फिर वो से हम अफगानी मानते हैं अपने आप को। हमारा कार्ड अब इधर के ना, तो हम क्या पासपोर्ट बन नहीं रहा, तो हमने डंकी लगा के जाने ना, अभी हम मजबूरी है हमारी। अफगानिस्तान के लिए कितना रेसिज्म दिखने को मिलता है जब आप किसी को कहते हो मैं अफगानी हूँ, तो पंजाबी कैसा ट्रीट करते हैं? पंजाबी और खुश होते, वो प्यार मोहब्बत होते हैं उनके साथ ना। जो इक्विपमेंट्स आपने इस्तेमाल किए हैं वो इंतहाई लो प्राइस के ऊपर हाई क्वालिटी इक्विपमेंट्स हैं जो आपने बनाए हैं, तो क्या अमेरिका जैसी सुपर पावर के पास भी वो टेक्नोलॉजी नहीं है जो उसको खरीदने में इंटरेस्टेड? इंडिया का जो लास्ट बजट इस टाइम पास आउट हुआ था, तो मुझे इतना याद है कि सबसे ज़्यादा उन्होंने जो मतलब खर्चा किया है डिफेंस के बजाय, फर्स्ट टाइम उनका हुआ था, ये जो मोदी की पार्टी है बीजेपी, इन्होंने सबसे ज़्यादा इस दफ़ा एजुकेशन पे किया है, डिफेंस पे कम कर दिया है, और उनका जो ओवरऑल लाइक टारगेट है, वो लोग अब जो न्यू एरा आने लगा है, न्यू जनरेशन जो है उस पर फोकस है, बट हम अभी तक उसी बैक माइंड सेट से चलते आ रहे हैं। तो ऑब्वियसली हम लोगों को सबसे पहले रिसोर्सेज को इंक्रीज करना पड़ेगा, हमें ये नहीं, मैं कह रहा था कि एक ही सब कॉन्टिनेंट है, ठीक है, ग्रूमिंग भी सबकी लाइक माइंड सेट सबका सेम है, है नहीं अब है नहीं, पहले हमारा ही मुल्क था, बिल्कुल एग्री, ठीक है। वहाँ के इस टाइम आप रेट निकाल लो, 1 रुपये कुछ पैसे, मतलब 2 रुपये से भी ज़्यादा पैसे हो गए बंगाल के, मेरे पास खुद व्यापारी आते हैं वहाँ से 1 करोड़ लेके आते हैं यहाँ के, उसके 2 करोड़ रुपये बन जाते हैं बाहर से, और हमारे पाकिस्तान की करेंसी कोई वैल्यू है ही नहीं, जितना मर्जी कमाओ आप दिन का मतलब 10,000 भी कमाते हो ना उससे आपके डबल खर्च हो जाते हैं यहाँ पे, महंगाई इतनी कर दी है जो हम ऐसी टेंशन में रहते हैं, यार मेरे पास इतने पैसे थे कुछ भी नहीं बचा, मेरे साथ खुद यही सीन है, मैं कहती हूँ मैं खर्च कहाँ की है, अब मैं खुद हूँ अल्लाह का शुक्र, मेरा खुद बिजनेस है। अच्छा, और
मतलब होल सेल का काम है, मतलब अच्छे लेवल पे। मैं खुद भागना चाह रहा हूँ यहाँ से, यूके का मैंने आगे किया हुआ है। टेक्नोलॉजी में कितना स्टैंड करता है, पीछे है, आगे है, क्या है? अगर मेडिकल के प्रोफेशन के लिहाज से देखा जाए तो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में ऑलमोस्ट ऑल तकरीबन सारी फैसिलिटीज़ अब अवेलेबल है। देखा जाए तो मैसेज से मैसेज प्रोसीजर जो सर्जरी के लिहाज से पहले आपको फ़र्ज किया, मिसाल के तौर पर गुर्दा ट्रांसप्लांट करवाना पड़ता था, उसके लिए आपको फॉरेन कंट्रीज़ का रुख करना पड़ता था, लेकिन अब ये फैसिलिटीज़ पाकिस्तान में भी अवेलेबल हैं। और लेकिन वो अलग बात है कि एक्सपेंसिस हैं, ज़ाहरी बात है अगर आप टेक्नोलॉजी को अवेल करेंगे तो एक्सपेंसिस तो होंगे, एक्सपेंसिव भी चीज़ें होंगी, लेकिन ये चीज़ें मौजूद ज़रूर है पाकिस्तान में। इधर के 15 करोड़ इंडिया के कितने हो गए? मैं इंडिया के ट्रिपल कर लो ना, ट्रिपल कर लो। क्यों, ये क्यों, वजह क्या है इसके बताओ? के पास मोदी है तो हमारे पास वो गंजा नवाज शरीफ जो है, वो शहबाज शरीफ जो है। हाँ तो दो हाँ। तो आप क्या करें, रिप्लेस कर लें, रिप्लेस कर लें, तो रिप्लेस कर लें। हम तो बोले इमरान खान वापिस आ जाए। हाँ ये तो हाँ अभी कह रहे कुछ दिन में। पॉलिटी में तो पाकिस्तान ओवरऑल जो है ना वर्ल्ड में दूसरी कंट्रीज से बहुत पीछे जा रहा है। अभी देख लें जो हमारा जो है नेबर कंट्री इंडिया, वही काफ़ी ज़्यादा आईटी में जा रहे हैं। उन तकरीबन जो अब आईटी की जो वर्ल्ड लेवल पर जो है ना 30%, एक रिपोर्ट में बताया 30% जो है ना जो प्रोड्यूसिंग है वो जो आईटी की वो इंडिया की तरफ से है। तो जैसे पाकिस्तान के स्टैंडर्ड में से 1% भी नहीं है, और पाकिस्तान वही 100 साल पुराने वो जो घिसे पीटे सिलेबस पे वही पाकिस्तान जा रहा है। कोई जो एडवांसमेंट नहीं, कोई हुकूमत जो है ना गवर्नमेंट हमारे स्टूडेंट के लिए कोई कुछ भी नहीं कर रही कि कोई एडवांसमेंट कर दे हमारे सिलेबस में, ताकि हम भी वर्ल्ड के जो सिलेबस मुताबिक अप टू डेट जो चीज़ें वो पढ़ सकें, हमारा मुताला अच्छा हो सके, ताकि हम भी दुनिया के बाकी दुनिया के साथ कम्पीट कर सकें। लेकिन कोई इस जो है HEC और जो हमारी गवर्नमेंट इस तरफ कोई ध्यान नहीं दे रही। दोस्तों सभी लोगों ने वीडियो में देखा पाकिस्तानी पब्लिक की राय, किस प्रकार पाकिस्तानी पब्लिक जो वहाँ के एजुकेटेड लोग हैं उन्हें पता है कि भारत जो है दुनिया में अपनी क्या इमेज बना के रखा है, क्योंकि वो बाहर घूमकर आए उन्हें पता है कि भारत के प्रोडक्ट दुनिया में कितना सेल होता है और भारत की कितनी टिकाऊ चीजें होती है और कितना सस्ता होता है। इसी को देखते हुए अमेरिका के नासा के बारे में आप सभी को बताओ कि वर्ल्ड में कितना फेमस है नासा। नासा भी भारतीय इसरो के मतलब की टेक्नोलॉजी को अपनाना चाहता है, क्योंकि नासा जितना 4 गुना में छोड़ता है उतना भारत 1 गुना में सैटेलाइट छोड़ देता है। इसी को देखते हुए नासा सोचता है कि अब भारत से मतलब की अब संबंध पहले से था, लेकिन अब जो है कि इसरो से भी बनाकर इसरो से सामान कुछ खरीद कर हम भी सस्ता में छोड़ें, जिससे कि हमारी कुछ बचत हो जाए। सभी को बतावा कि पिछले कुछ दिन पहले भारत की जो अंतरिक्ष सैटेलाइटें हैं वो 2-4-10 जो कि देश छोड़वा रहे थे, क्योंकि सभी को बतावा कि भारत सबसे कम दाम में जो कि सैटेलाइट छोड़ता है दुनिया के मुकाबले। पाकिस्तान की बात रही थी, सभी को पता पाकिस्तान जो है चीन की मदद लेता और अपनी कुछ भी नहीं बनाता, और उसी के बलबूते ये लोग आज जी भी रहे हैं चीन के बलबूते, और जो कि चीन जो है अब इन पर पूरी तरह से कब्जा कर चुका है पैसे देकर। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी, वीडियो को लाइक करना जरूर, पहली बार चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ऐसे वीडियो देखने मिलते हैं दोस्तों कोई नेक्स्ट।